जो भी पॉलिसी टॉप मोस्ट मंच पर बंद कमरों पर या किसी पटल पर बनती है तो वो निचले स्तर तक निचले पांवदान तक नहीं पहुंचती। आपका ऐसा क्या मैनिफेस्टो है कि आप इस राजनीति को राजनीति में बदलेंगे, क्या मैनिफेस्टो रहा है? 20 रुपया बोतल पानी बिकता आप कहीं जाइए। तो पहला मैनिफेस्टो का बिंदु यही है कि पीने का पानी मिलेगा बिकेगा नहीं। हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा तंत्र है और उसका सदुपयोग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। देश में अब तक 6 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और 7वें चरण के चुनाव चंडीगढ़ में 1 जून को होने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हीं में से आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ जो पार्टिसिपेट करने हैं, चुनावी चर्चा में जो हिस्सा लेने आए हैं, वो है रणप्रीत सिंह, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड से असिस्टेंट कमांडेंट जो है उन्होंने वीआरएस ली है। इसके अलावा वो टीचर हैं, इसके अलावा वो रेगुलर ब्लड डोनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, इसके अलावा उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रणप्रीत सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रणप्रीत सिंह जी, आप इंडियन कोस्ट गार्ड में रहे हैं, इसके अलावा आप सोशल वर्कर रहे हैं, आप और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं समाज के लिए, तो फिर राजनीति क्यों? देखिए, आपके प्रश्न का मैं एक सटीक उत्तर दूंगा, वो ये कि इसे आप राजनीति ना कहें, इसे आप काजनीति कहें। क्योंकि राजनीति जब शब्द हमारे भीतर आता है तो राज करने का भाव आ जाता है, जबकि कोई भी राजनेता होता है तो वो सेवा करता हूं कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने आप को परम सेवक कहते हैं। तो जब भाव सेवा का है तो उसे राज से ना जोड़ा जाए, उसे काज से जोड़ा जाए। तो यदि मैं उतरा हूं इस मैदान में तो वो काजनीति का मैदान है, राजनीति का नहीं। अब मैं उतरा क्यों? इसलिए कि जो भी व्यवस्था आज हमारे समाज में है, किसी प्रदेश में है या हमारे देश में है, कह लीजिए पूरी दुनिया में भी, तो उसमें पूर्णता संतोष का भाव नहीं है। जो व्यवस्था या सुव्यवस्था समाज कल्याण के लिए होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, या कह लीजिए कुछ अंश तक ही है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें या लोगों के संख्या की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रफल या अधिकांश संख्या बल हमारा असंतोष के भाव में जी रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी पॉलिसी टॉप मोस्ट नॉच पर बंद कमरों पर या किसी पटल पर बनती है तो वो निचले स्तर तक, निचले पावदान तक नहीं पहुंचती। वो निचले पावदान तक पहुंचे और संतोष का भाव परम चरम तक जाए, इसीलिए ये प्रतिभाग मुझे करना पड़ा। आपको लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं सिस्टम में, जिस वजह से आपने ये राजनीति या काजनीति है इसको ज्वाइन किया। आपका ऐसा क्या मैनिफेस्टो है कि आप इस राजनीति को काजनीति में बदलेंगे, क्या मैनिफेस्टो है आपका? देखिए, कमियां शब्द फिर से मैं नकारात्मक बोलूंगा। एक सार है, हमारे संतों ने ये कहा है, हमारे गुरुओं ने ये कहा है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि फला बंदा गलत कर रहा है या उसके अंदर कोई कमी है। हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। ऑलवेज देयर इज अ बेटर ऑप्शन, ऑलवेज देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अब हम क्या करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती हैं, नदियों का संगम है, उस देश में पानी 20 रुपये बोतल बिकता है। बिल्कुल ठीक है, 20 रुपया बोतल पानी बिकता है, आप कहीं जाइए। तो पहला मैनिफेस्टो का बिंदु यही है कि पीने का पानी मिलेगा बिकेगा नहीं। इस बिंदु से हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए क्या मास्टर प्लान है आपके माइंड में? देखिए, हमारे को प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी है और ये जो पंच तत्व है, इस पंच तत्व में हमारा शरीर विलीन हो जाना है और इस पंच तत्व से ही सब कुछ मिलना है। हमें डिफॉरेस्टेशन के बदले अफॉरेस्टेशन करना पड़े। हमें हमारे जंगल को, हमारे जल को, हमारे जीवन को, हमारे जन को बचाना पड़ेगा। उसके लिए हमें नैतिकता के आधार पर चीजों को सीखना पड़ेगा कि किस चीज को हमें कंजर्व करना है। आज मैं कोई बिस्कुट खाता हूं या अन्य कोई चीज खाता हूं, वो पैक होती है पॉलिथिन में। वो पॉलिथिन कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने के बादे कहीं ना कहीं वो चला जाता है। जब वो जाता है तो वो मिट्टी खराब करता है, वो फिर फॉरेस्ट खराब करता है, वो पानी को दूषित करता है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वो दूषित है या वो पोर्टेबल नहीं है, पीने योग्य नहीं है, बहनी नहीं है। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा और पॉलिथीन जैसी चीजों को दूर रखना पड़ेगा, ताकि पीने के पानी को फिल्टर करके, पीने के पानी के लिए फिल्टर करके चीजों को पर्याप्त मात्रा में
हर जगह रेलवे स्टेशन में, रोडवेज में, अलग अलग स्टॉपेज में चीजों को पहुंचाया जाए। जब हम स्टोर करते हैं चीजों को और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नॉर्मल बिस्कुट या कुरकुरे के पैकेट को, च्युइंगम को, टॉफी को, तो पीने के पानी को क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते। इसके लिए विल और डिटर्मिनेशन की भी कमी है। जब हम पॉलिटिकल विल रखते हैं तो कोई भी चीजें हो सकती हैं। हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा तंत्र है, पर उसका सदुपयोग नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है पर सरकारी स्कूल में बच्चा भेजना नहीं चाहता। आज कोई भी व्यक्ति फिर से सरकारी नौकरी चाहता है लेकिन सरकारी अस्पतालों में सिवाय एम्स और पीजीआई को छोड़ के अपना इलाज नहीं कराना चाहता। इसलिए कि जो सरकार के तंत्र में जाता है वो काम नहीं करना चाहता, वो राजनीति ही नहीं करना चाहता, नीति बन गई, कार्य नहीं करना चाहता। आप बताइए, लड़का लड़की की जब शादी होती है तो सरकारी नौकरी है, ठीक है इसकी शादी कर दो, क्यों? क्योंकि वहां काम करना बहुत कम है, काम नहीं करना, काम ना करने के भाव से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे तंत्र को थोड़ा रिजिड होना पड़ेगा, काम करने के भाव में आना पड़ेगा। फौज में गुड नाइट नहीं होता, गुड डे होता है, चाहे आप रात को 8 बजे जाइए, 9 बजे जाइए, 10 बजे जाइए, गुड डे होता है। क्यों? क्योंकि 24/7 काम कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म सर्विस है। तो फौजी अधिकारी या फौजी कोई भी व्यक्ति यदि किसी तंत्र में जाएगा तो वो कार्य करेगा। हर कुछ संभव है, इम्पॉसिबल खुद में बोलता है आई एम पॉसिबल, ब्रेक करके बोलिए। रणप्रीत सिंह जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप क्रांति लाना चाहते हैं, आप सिस्टम बनाना चाहते हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्यों? आपने कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? वहां आपके पास पावर होती। पार्टी बोलती है दिन को रात बोलो, रात को दिन बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर नहीं जा सकते। स्वतंत्र उम्मीदवार हरे को हरा बोलेगा, काले को काला बोलेगा, गोरे को गोरा बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। मैंने ऐसा माना कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर 20 बिंदु है किसी पार्टी में, उसने 15 करे, 5 नहीं करे, तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार पार्टी को जो सत्ता में है उसे बता सकता है कि साहब 5 नहीं करे, कर दीजिए, वक्त बहुत है अभी। ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जो पार्टी के ही हैं, जिन्होंने अपनी सांसद निधि ही नहीं खर्ची, या खर्ची तो आखिरी के महीने में खर्ची, यूनिफॉर्म नहीं खर्ची, जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं खर्ची, उसको बोल नहीं सकते यदि आप पार्टी का हिस्सा है। यदि आप पार्टी के विपक्ष में कोई बात करते हैं तो आप भागी कहलाते हैं। भागी क्यों कहलाएंगे? हमने देश हित में काम किया। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा है स्वतंत्र होने के नाते राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। किस इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख दिया जाएगा? वहां पार्टी धर्म सर्वोपरि है। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में तिरंगा झंडा है। किस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में तिरंगा झंडा? यदि आप राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, और पार्टी में अपनी बात जो राष्ट्र हित में है वो लागू करना चाहते हैं, यदि वो पार्टी हित में नहीं है तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। 4 पार्टी के व्यक्ति आपको बेकार या बुद्धिमान नहीं है ऐसा करार कर देंगे। तो स्वतंत्र नाम ही इस बात का है कि आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। जनतंत्र में, लोकतंत्र में, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें बोलने की आजादी है, तो स्वतंत्र तो आपको होना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था पार्टीलेस डेमोक्रेसी, आज वो कहा है। स्वतंत्र होना बहुत अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चंडीगढ़ से अगर आप सांसद चुने जाते हैं, मान लीजिए आप चुने जाते हैं, ईश्वर करे आप चुने जाएं, और चुने जाते हैं और आप संसद में जाते हैं और वहां मेजोरिटीज चलती हैं, एक बड़ी सरकार होती है, एक बड़ा ओपोजिशन होता है, आप एक अकेले सांसद जो इंडिपेंडेंट गए हैं, आपको क्या लगता है कि आप चंडीगढ़ की समस्याएं जो हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, क्योंकि चंडीगढ़ के लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी अगर आप यहां से चुन के जाएंगे। चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो हरियाणा पंजाब की कंबाइंड कैपिटल भी है, जिसको हम बोलेंगे पहचान का मोहताज नहीं है जगह। अब ये जो एमपी बनेगा ये केवल चंडीगढ़ का नहीं होगा साहब, ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे भारत को, केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेके असम तक, जितने भी लोग हैं, भले ही ये रिप्रेजेंट इस टेरिटरी को कर रहा हो, लेकिन कोई भी नागरिक यदि अपनी बात रखना चाहता हो, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को कुछ बिंदु खा दिए, नेशनल लेवल पर भी, चंडीगढ़ के स्तर पर भी, अलग अलग विभागों के स्तर पर भी, वो बिंदु खाली हमने इसलिए रखे हैं, यदि कोई नागरिक अपनी बात देश हित में रखना चाहता है, कहना चाहता है, प्रस्ताव के रूप में लाना चाहता है, जो वो लोगों के लिए करना चाहता है, कहना चाहता है, वो प्रस्ताव के रूप में लाएंगे, वो बिल पारित कराने की कोशिश करेंगे। मेजोरिटी नहीं होगी माना, लेकिन जो मेजोरिटी में है यदि वो जनता की बात जो कि तार्किक बात होगी उसे नहीं मानेंगे, तो सरकार का भी पर्दाफाश होगा कि ये जिस जनादेश को माइक के आगे, पब्लिक के आगे नतमस्तक होके अपनाते हैं, जिस मैंडेट को वो लेके सत्ता में आते हैं, जो मैंडेट देने वाली जनता है, जिससे बिना पूछे आपने अपना पार्टी का, देश का नहीं पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया, और 5 साल के भीतर यदि किसी नागरिक ने कोई प्रस्ताव रखा जो कि तार्किक है, जो कि और लोगों को समर्थन देने वाला है और लोगों के हित का है, और पार्टी उसे पास नहीं करती, तो उस सत्ताधारी दल का, उस पार्टी का भी पर्दाफाश होगा
कि आप नागरिकों के मुद्दों का बिल पास नहीं कर रहे, वरन पार्टी का कर रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं कर रहे, वो भी समय से नहीं कर रहे, और कर भी रहे तो जनता के निचले पावदान तक नहीं पहुंच रहा। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जागरूक होगी, ये बात लोगों तक पहुंचेगी कि सत्ता में पहुंचने के बाद भी लोग नागरिकों का बिल नहीं ला रहे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था स्वतंत्र लोगों तक पहुंचेगी या उस पार्टी तक पहुंचेगी जो पार्टी मैनिफेस्टो वाले बिंदु भी करेगी और लोगों की बिंदु भी करेगी। रणप्रीत सिंह जी, भले ही ये जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव जो है, ये राष्ट्र के चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चंडीगढ़ के लोकल मुद्दे जो है डेफिनेटली हैवी रहेंगे। पिछले बहुत समय से, क्योंकि पिछले टेन्योर जो गए हैं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार भी रही है, कांग्रेस का यहाँ एमपी होता था, कांग्रेस का गवर्नर था, कांग्रेस की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ, लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं हैं। आप चंडीगढ़ के मुद्दों से अवगत हैं? बिल्कुल। तो आप चंडीगढ़ के मुद्दों को कैसे हल करेंगे, क्योंकि वो मुद्दे जब वो पार्टियां हल नहीं कर पाई तो आप कैसे हल कर पाएंगे? मैंने जैसा थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोगों में पॉलिटिकल विल नहीं है। विल और डिटर्मिनेशन दो वर्ड आप याद रखिए साहब, आप पढ़े हैं, मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर विल पावर है और आपने ठान ली, आपने ये मान लिया कि मैंने करना है तो करना है। अ जर्नी ऑफ 1000 steps स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। सेकंड, आपके पास पार्टी के आप हैं कि नहीं है, एक अच्छा खासा बजट आता है जो कि सांसद निधि के रूप में उसे कहा जाता है, वो सांसद के विवेक पर लागू होता है। आप जिस क्षेत्र में ऑलरेडी विकास हो चुका है, जहां पर ऑलरेडी सीमेंट है, जहां ऑलरेडी क्रीम पाउडर पुता हुआ है, वहां पे आप और पोतते जाइए, उससे तो कुछ होना नहीं। तो जो विकास होगा वो गांव के जो कॉलोनीज हैं, जो बस्ती हैं, जहां पर मैं 1.5 से 2 लाख लोगों से 1-on-1 मिला हूं, 1.5 से 2 लाख लोगों से ग्रुप में मिला हूं, तो मैंने ये जाना कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था चरमराई हुई है, वहां पे मक्खियां हैं, वहां पे गंदगी है, वहां पर बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। अगर आप पर स्क्वायर फिट एक व्यक्ति के रहने की जगह को नापेंगे, उस इंडेक्स में भी हम हार जाएंगे। अमानवीय तरीके से लोग रह रहे हैं, कॉलोनीज बना दी गई हैं, लेकिन उन कॉलोनीज में झांकने वाला कौन है, उन कॉलोनीज में जाने वाला कौन है, वो लोग रह कैसे रहे हैं? राइट टू लिव एक अधिकार है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, तो उस राइट टू लिव का वहां सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितनी मेरी सांसद नीति है, और वो पूरी ट्रांसपेरेंट रहेगी, जनता उसे देख सकेगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी पार्टी के खर्चे को, इलेक्शन में हुए खर्चे को पूरे पारदर्शिता से दिखाते हैं, हालांकि वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते, ऐसा मैं PIL डालने के लिए कभी मन बना चुका हूं, क्योंकि इस व्यवस्था में जब मैं आया, जितना अंदर जा रहा हूं, नई नई परतें खुल रही है देख पा रहा हूं, तो हम प्रचार प्रसार ही ना कर पाए। एक थोड़ा सा साइड एंगल लूंगा, फिर मेन ट्रैक पे आता हूं कि 17 मई को हमें चुनाव चिन्ह मिला, 1 जून को हमारा चुनाव है, उसमें 3 बार एक्सपेंडिचर के लिए बुलाया गया, 1 बार लिखने के लिए, सिखाने के लिए बुलाया गया, 2 बार, 1 बार स्ट्रॉन्ग रूम को चेक करने के लिए बुलाया गया, 5-6 बार बुला रहे हैं, 2 इलेक्शन एजेंट भी जा सकता है, लेकिन 13-14 दिन में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों से कैसे मिलेंगे? ठीक है, आप मिल पहले भी सकते हैं, लेकिन कैसे मिलेंगे? लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको इलेक्शन सिंबल चाहिए, सिंबल नहीं है, नाम से कैसे याद रखेंगे? कई माइयों से मैं मिला, कई लोगों से मैं मिला जो पढ़े लिखे नहीं है, वो नाम जानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, उन्हें इलेक्शन सिंबल चाहिए। तो 13-14 दिन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सब लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच सकते। तो आपकी व्यवस्था, आपने मीन जो सत्ताधारी पक्ष है, जिनका आपने नाम लिया, मैं नहीं लूंगा, उन्होंने व्यवस्था ऐसी बना रखी कि स्वतंत्र को अंदर आने नहीं दे रहे, क्योंकि वो स्वतंत्र है, जो उनके इशारों पर नाचेंगे उनको आने देंगे। तो सांसद नीति साहब मैं इंटरेक्ट करता हूं, पूरी लगाएंगे, पारदर्शिता से लगाएंगे, और लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, जो मुद्दे मैंने आपको बोले, मेन चंडीगढ़ में सीवर की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है, ट्रैफिक लाइट है, लेकिन साइन बोर्ड की दिक्कत है, यहां पर एम्बुलेंस या पुलिस 5 मिनट के एक फोन कॉल पर आ जाती है। सेक्टर्स की बात करो, मेन सेक्टर्स की बात करो, कॉलोनीज में, बस्ती में भयंकर बवाल है, इतना कबाड़ पड़ा है, यहाँ पर हर सेक्टर में 1-2 पार्क है, वहां पर पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है, तो छोटे छोटे पार्क है लेकिन वो चलायमान नहीं है, फंक्शनल नहीं। तो अगर सरकार ने हमें सपोर्ट नहीं किया, जो कि एक प्रतिनिधि को सरकार ने समर्थन देना पड़ेगा, हम जनता की फौज खड़ा कर देंगे। मैं 50 से ज्यादा संस्थाओं से जुड़ा हूँ साहब, वहां पे जनता की फौज खड़ी है, नाली की सफाई करते हैं साहब, पार्क की सफाई करते हैं, लंबे लंबे झाड़ू हम लेके चलते हैं, और वो व्यवस्था हमने करके दिखाई है, नगर निगम के बराबर पैरेलल नगर निगम लेके चलते हैं हम, तो सरकार के पैरेलल सरकार चलेगी, एक प्रतिनिधि सरकार लेके जाएगा, जनता प्रतिभाग करेगी, क्योंकि वो जनता के लिए ही हो रहा है। कहीं ना कहीं आंखें खोलना जरूरी होगा। हमारे एजेंडा में, मैनिफेस्टो में मॉरल साइंस के लिए भी एक जगह है,
आज काम क्यों नहीं हो रहा साहब, इसलिए कि हमारा मन जागृत नहीं है, उसकी चेतना सोई हुई है, हम जड़ हो चुके हैं। जिस दिन ये जड़ता जाएगी उस दिन प्रबलता आएगी, उस दिन कार्य करना शुरू करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके अलावा भी चंडीगढ़ के कुछ बहुत बड़े मुद्दे हैं? बिल्कुल, जैसे लाल डोरे का मुद्दा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो पिछले बहुत लंबे अरसे से वो आज तक उसको सॉल्व करने की तरफ कोई भी सरकार चली नहीं है। मालिकाना हक कॉलोनियों को जो मालिकाना हक का मुद्दा है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे आपने कुछ मास्टर प्लान, कुछ रूट प्लान तैयार किया है? देखिए, जब मैं चुन के आऊंगा, जब हम चुन के आएंगे, मैं को हम का भाव दे रहा हूं, हम समाज के अलग अलग वर्गों को बिठा लेंगे, उनसे उनकी बात समझेंगे, वो क्या चाहते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है ऑप्टिमाइज करना, जो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि असंभव चीज तो नहीं कर सकते, जो चीजें हो सकती हैं, जिन नीतियों का क्रियान्वयन हो सकता है और लोग क्या चाहते हैं, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे और संतुष्टता को 100 तक टच करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरा नाम परमात्मा का है, लेकिन 50 वाली चीज 70 में जाए, 70 वाली 90 तक जाए, क्योंकि उसके लिए एक डीप थेरेपी का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें चीजों को और गहराई से समझना पड़ेगा। हम लाल डोरे की बात करें या कच्ची कॉलोनी को पक्के करने की बात करें या जो मैंने पर स्क्वायर फीट एरिया की बात करी उसकी बात करें, तो ग्राउंड जीरो से हमें चीजों को समझ के फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यह मुद्दा एक दिन का नहीं है। पानी नहीं आ रहा तो पाइपलाइन डाल के पानी डलवा दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट और सेंटर के लेवल तक जाएंगी, और हमारे पास क्योंकि काम करने के लिए 5 साल होंगे, और 5 सालों में शुरू के 3 से 6 महीने में कार्य की विवेचना होगी, कार्य को और गहनता से समझा जाएगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन विदाउट प्लानिंग इज जीरो। आपको पहले प्लान आउट करना पड़ेगा, वो प्लान करने के लिए समाज के अलग अलग वर्ग से उनकी बातों को लेना पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं और क्या हो सकता है, उसके समावेश से चीजों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और चीजें हो सकती हैं, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी है, ऐसा मैंने पहले भी बोला। आपने अपना विजन मुझे बहुत अच्छे से क्लियर किया, बट एक आखिरी सवाल, हालांकि आपने अपने विजन में बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं, तो ये बताइए कि जो चंडीगढ़ का मतदाता है वो आपको वोट क्यों दे? यदि चंडीगढ़ के मतदाता को सिस्टम की बेहतरी, न केवल चंडीगढ़ वरन पूरे भारत की बेहतरी चाहिए, सुशासन चाहिए, सुव्यवस्था चाहिए, समाज का कल्याण चाहिए, जो चीजें उन तक नहीं पहुंच रही पहुंचना चाहिए, लोगों से जनमिलन चाहिए, लोगों की समस्या का त्वरित निदान चाहिए। आप यहां बैठे हैं, गर्मी लग रही है, मान लीजिए मैं बोलूं आप थोड़ा सा उधर बैठ जाइए, थोड़ा सा मुंह घुमा लीजिए, वहां कूलर चल रहा है, वहां एसी चल रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। वहां बैठेंगे तो पानी भी नजदीक आएगा। अब आप कहते साहब मेरे को पानी और कूलर की ठंडी हवा, एसी की ठंडी हवा नहीं चाहिए, तो वो उसी व्यवस्था में जीते रहेंगे जिस व्यवस्था में है। लेकिन यदि उन्हें सुव्यवस्था चाहिए और मेरे पास एक एक्शन प्लान है और मैं कर्मठ हूं, मैं जुझारू हूं और वो ये चीज चाहते हैं, तो उन्हें ये चीज देनी पड़ेगी। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जैसा मैंने बताया, किसान भाई भी होंगे, जवान भाई भी होंगे, कारोबारी भी होंगे, उसमें अलग अलग वर्ग के सिविल सर्वेंट भी होंगे, आम जनता और नागरिक भी होंगे जो नॉर्मल लेवल काम करते हैं, तो अलग अलग विभागों से रिलेटेड, किसानों के लिए MSP, जवानों के लिए ORP, सिविल सर्वेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो लोकल के कारोबारी है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और लोकल के कारोबार की व्यवस्था, साफ सफाई और पानी जहां नहीं पहुंच रहा, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं वो नहीं पहुंच रही, वो चंडीगढ़ के लोगों के लिए मेन सेक्टर्स के लिए, जहां साइन बोर्ड की नहीं है कभी वहां पर साइन बोर्ड, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था, जो डेवलपमेंट में अप डाउन है, बाहर में, आउटर में और इनर में, उसका बैलेंस, यहां पर कार्य करने वाले लोगों की संख्या का जो कम है मेन चंडीगढ़ में, उसकी व्यवस्था, और नेशनल लेवल पर जैसे मैंने एक मुद्दा पीने के पानी का बताया, ठीक इसी प्रकार से न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य, आई रिपीट, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबको उपलब्ध होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और मुफ्त होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं ली जानी चाहिए, ये 3 मुद्दे होने चाहिए। इसके बाद में टैक्स में सरलीकरण होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हर वर्ग के लिए, चाहे वो बच्चों के लिए बात करूं, चाहे वो महिलाओं के लिए बात करूं, चाहे वृद्ध जनों के लिए बात करूं, समाज के हर वर्ग के लिए, इनफैक्ट किन्नरों की बात करूं, तो उनके लिए भी एक वेलफेयर स्कीम हमारे पास होनी चाहिए। अगर इस सारे समावेश को भारत के स्तर पर, चंडीगढ़ के स्तर पर और अलग अलग विभागों के स्तर पर लोगों को चीजें चाहिए, तो उन्हें, मुझे, हमें, मैं को हम का भाव देता हूं हमेशा, क्योंकि मैं नहीं हूं कुछ, हम हैं। और मैं जनरली जनता से जब मिलता हूं तो उनको ये बोलता हूं
कि बताइए बनाने वाला बड़ा कि बनने वाला, तो बोलते साहब बनाने वाला बड़ा, लेकिन बनने के बाद बनने वाला बड़ा हो जाता है, ये राजनीति का भाव है। राजनीति में हमेशा जो प्रतिनिधि है वही छोटा रहेगा और बनाने वाला बड़ा होगा। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में साहब ये एडिशनल बात बोल रहा हूँ, मॉरल साइंस का भी एक पार्ट रखा है, जब तक नैतिक शिक्षा नहीं होगी ना साहब, तो आप जो कर रहे हैं गलत वो आपको गलत दिखेगा ही। बिल्कुल ठीक है, नैतिक शिक्षा इंक्लूड करनी पड़ेगी। और एजुकेशन पॉलिसी के लिए हमने मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स डाले, मार्क्स फॉर स्किल्स डाले, अगर आपके पास कोई स्किल तो आपको पढ़ाई के लिए कम समय मिल रहा है क्योंकि आप कुछ स्किलफुल काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ग्राउंड में ज्यादा वक्त बिताते हैं, किताब पर टेबल पर कम वक्त बिताते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स के लिए भी मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये नीति भी नेशनल लेवल की नीति है। तो हमने हमारी नीति को तीन भागों में बांटा, नेशनल, चंडीगढ़ से रिलेटेड और अलग अलग विभागों से रिलेटेड। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचेगा। और लास्ट बात जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, खाली बिंदु भी छोड़े, खाली बिंदु नागरिकों के लिए, 5 साल के भीतर यदि नागरिकों को कोई चीज समझ में आती है, इस रिप्रेजेंटेटिव जो कि ना केवल चंडीगढ़ के लिए होगा वरन पूरे भारत के लिए होगा, वो अपने बिल को पारित करा सकते हैं। तो भारत का नहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ इलेक्शन मैनिफेस्टो साहब बनाया गया है, और ये नागरिकों का है क्योंकि नागरिकों से ही राष्ट्र बना है, राष्ट्र भूमि का हिस्सा नहीं है, वो नागरिकों से बना है। जब तक नागरिकों का जन और जीवन सुरक्षित नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वो जीवन जीवन नहीं है, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है, वो प्रदेश प्रदेश नहीं है। इसीलिए लोग मुझे यानी कि हमें वोट करें। रणप्रीत जी, आपने एक नारा दिया है, अब की बारी फौजी अधिकारी, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, यदि हम समाज की बात करें तो समाज में एक वर्ग है सैनिक वर्ग, जो अभी ऑन रोल है, जो काम कर रहा है और कुछ सेवानिवृत्त हो गया। तो सैनिक का जो मूलभूत तरीका होता है काम करने का, वो बड़ा आदित्य होता है, माने उसके जैसे कोई नहीं, उसके अंदर किलिंग एटीट्यूड होता है। किलिंग माने ये जनरल किलिंग नहीं है, ये काम को लेके है, किसी भी काम को जुझारू होता है, जुझारू होता है, कर्मठ होता है, निष्पक्ष होता है। और क्योंकि वो वर्दी वाला होता है तो वो ईमानदार है और वो गलत नहीं करेगा, इस बात की शपथ वो बेमन से ले चुका होता है। तो अब की बारी फौजी अधिकारी का माने ये है कि यदि आप एक फौजी व्यक्ति को चुन के लाते हैं, तो पहली बात जो उसने बोली है या लिखी है या मिलते हुए आपसे हुई है बात, तो वो शत प्रतिशत होगी, अक्षर अक्षर उसका पालन किया जाएगा। ये कोई भी व्यक्ति आंख मूंद के इस बात को मान सकता है। और फौजी एक भाई होता है, फौजी एक दोस्त होता है, फौजी एक हमदम होता है, फौजी एक हमसफर होता है। आप फौजी व्यक्ति को हाथ पकड़ के गले लगा के अपनी व्यथा जाहिर कर सकते हैं, और यदि आपको जरूरत है तो फौजी 24/7 आपके लिए खड़ा हो जाएगा। फौजी चीजों को आपकी जरूरत के हिसाब से प्रायोरिटाइज करेगा, आपकी जरूरत उसकी जरूरत होती है, क्योंकि फौज में बोला गया नेशन फर्स्ट, योर प्रिविलेज कम्स लास्ट। तो आपके प्रिविलेज सबसे आखिरी में चले जाते हैं, देश और देश क्योंकि नागरिकों से बना है तो नागरिक पहले चले जाते हैं। तो नारा है साहब अब की बारी फौजी अधिकारी, क्योंकि उसमें काम करने का जज्बा है, वो जुझारू है, निर्भीक है, कर्मठ है, ईमानदार है और हमदम। इसीलिए उसके कार्य करने में बहुत फर्क है। अन्य कोई व्यक्ति कार्य सोचेगा, ये व्यक्ति कार्य सोचेगा, उसे प्लान करेगा और उसे लास्ट तक एग्जीक्यूट कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज द की। इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वो सोच में ही रह गया। सो दोस्तों, ये थे रणप्रीत सिंह, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड और जो चंडीगढ़ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। रणप्रीत सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, अवसर दिया, और ये बात जन जन तक पहुंचे, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मजबूती से चीजों को जितने भी प्रतिभागी हैं उनकी बात लोगों तक पहुंचाने का एक अहम रोल निभाते हैं और निष्पक्ष रूप से निभाते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होती है। आपने मुझे समय दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक पटल दिया, जिसमें बात रख पाया, जनता के लिए रख पाया, जनता में आप भी एक बिंदु आते हैं, इसके लिए मैं भी आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।